तो 14-19 के जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं मिलू। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया, वो तमाम वादे वादे रह गए हैं। तो उसके बाद में भी जो कुछ भी इनके वादे थे, किसानों का आंदोलन चला तो समय पर उसको ढंग से टैकल नहीं किया, 600-700 लोग मारे गए, वो पूरे कंट्री का इश्यू बना। जो लड़कियां बैठी हुई थी रस्तर, वो भी अपना इश्यू है। जो घसीट के मर गया था, 3-4 किसान मर गए थे, वो भी इश्यू है। तो इतने इश्यू इनके सामने आ चुके हैं, अब वो क्रेडिबिलिटी वाली बात सही नहीं है बीजेपी की। अब मुझे लगता है कि अब ये मोदी के नाम से कब तक राजनीति करेंगे, क्योंकि सबको गायब कर दिया। जेपी नड्डा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल के लोग कुछ मायने रखते नहीं है, और मेंबर पार्लियामेंट को पूछ नहीं रहा है। तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण होता है लोकतंत्र में, जिससे कि आवाज उठा सकता मेंबर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की, फीडबैक लेके काम हो सकता दिल्ली के अंदर विभागों के अंदर, वो सब कॉलेप्स हो गया है, कॉलेप्स हो गया। जिसकी में चले गई जोड़नी को सब कामयाब हुई हो, उससे अच्छी स्कीम तो राज्य ने चलाई है, जैसे राजस्थान हम लोगों ने चलाई थी स्कीम एक के बाद एक, पर असत्य बोल करके चुनाव जीत गए लोग, झूठे आरोप लगा करके। तो मैं समझता हूँ इस बार तो माहौल बदला हुआ लगता है, और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं ऐसा लगता है। 2047 को विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप घोषणा पत्र के अंदर से, 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 की कर रहे हैं, 49 की कर रहे हैं, वो 1000 साल की बात भी कर रहे हैं। तो वो जो जिस रूप में बोलते हैं नया कालखंड की शुरुआत कर रहे हैं, और नए 100 दिन का जो जीतने के बाद क्या करेंगे वो रहस्य बना हुआ है, इसका जवाब नहीं दे रहे। महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, चैलेंज बहुत बड़ा युवाओं के सामने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले का क्या होगा, जहां आप लूट लिया ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को बेच करके पूरा पैसा ईडी द्वारा घुसनी चाहिए। अब जहां पे बेईमानी हुई है, आपने ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया पैसा, चंदा दो धंधा लो वाला बात हो गया, उसका क्या होगा। दो मुख्यमंत्री जेल भेज दिया आपने, चुनाव चल रहे हैं, अमेरिका जर्मनी आपकी कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, यूएन को बोलना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा, ये मजाक है क्या। वहां पे लोकतंत्र का एक धाक थी देश की, हमारे लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती रही है, उसकी दर्जा उड़ रही है। अब ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है, चुनाव लड़ेगी कैसे, वो कैसे चुनाव लड़वाएगी, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये इनके सामने आ खड़े हुए हैं। हमें तकलीफ एक बात की है कि जो मेन मीडिया है देश का है, वो बता नहीं रहा है, बता नहीं रहा तो इश्यू बन नहीं रहा है। मेन मीडिया का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, चाहे प्रिंट हो चाहे वो टीवी हो, वो दबाव के अंदर इनकम टैक्स के ईडी के जो दबाव है, तो दिखा नहीं रहा तो इश्यू कैसे बने। इसलिए गोदी मीडिया के नाम दे दिया उसका। अब वो कब गोदी मीडिया का टैग हटेगा वो तो पता नहीं, मोदी जी जाएंगे तब हटेगा, इतना डर है उनका उनके ऊपर। अरे अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंस मीडिया की है। आज भी कांग्रेस के राज में 2 मुख्यमंत्री इस्तीफा हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। डेमोक्रेसी है भाई, मीडिया में एक इश्यू बन गया तो पब्लिक क्या सोचेगी। तो मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, भाई मीडिया ने इश्यू बनाया, इसके पीछे तथ्य भी है, उसका रेस्पेक्ट करना हमारा काम है। और इन्होंने 10 साल में क्या किया,
एक इस्तीफा किसी का लिया है क्या? कितने आरोप लगे हैं? क्या क्या घटनाएं हुई है, दुर्घटनाएं हुई है? कोई मतलब नहीं लोगों को मीडिया से, ना मीडिया के सामने आते प्रधानमंत्री जी। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, फिर भी मीडिया दबाव में अंदर है, तुम क्या कर सकते? सर कुछ दिन शेष बचे हैं राजस्थान, कुछ दिन शेष बचे हैं चुनाव को लेकर, राजस्थान में भी 19 तारीख को पहला मतदान है, लोगों से क्या अपील रहेगी? और पानी के मुद्दे पर आपकी सरकार पर तमाम सभाओं के अंदर बीजेपी हमला बोल रही है। वही तो हमला, तो हमें बोलना उनके ऊपर जो बोलते आ रहे हैं। ईआरसीपी का प्रधानमंत्री वादा कर ले और 16 परियोजनाएं देश के अंदर है राष्ट्रीय, क्या एक राजस्थान की ईआरसीपी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं हुई? ये बड़ा मुद्दा है ये, और इनका कोई जवाब नहीं है। अब कोई नया नकली एग्रीमेंट किया है मध्य प्रदेश के साथ भी करवा दिया केंद्र सरकार ने, जिसका मैंने रोक लगा रखी थी मेरे वक्त में, उसको नया एग्रीमेंट बता रहे हैं। वसुंधरा राजे के वक्त में जो एग्रीमेंट था वो हमारे हित में है, राजस्थान के हित में है, अब जो एग्रीमेंट हुआ हमारे हित में नहीं है, तो ये उसको भ्रमित करें पब्लिक को, यमुना के पानी को लेकर भ्रमित कर रहे हैं। भ्रम पैदा करके कब तक राजनीति करेंगे ये लोग? आज अम्बेडकर जयंती जो है, अब अम्बेडकर के संविधान की दर्जा उड़ रही है, इस संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसा माहौल बन गया है। लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये माहौल बनता देश के अंदर कि चुनाव ही होंगे कि नहीं होंगे, लोग तो खतरे के अंदर है, क्योंकि मैंने कहा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्ट्रल बॉन्ड, दो मुख्यमंत्री जेल जाना, खाते बंद करना, ये क्या संकेत करता है? तो बहुत भय का माहौल हो गया देश के अंदर, चिंता का माहौल है देश के अंदर, देशवासियों में चिंता व्याप्त हो गई है। इसका जवाब देना चाहिए मोदी जी को। बेरोजगारी का क्या होगा देश के अंदर, क्या सॉल्यूशन है? कोई बात उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी की यात्रा में जो पॉइंट आए थे पूरे यात्रा के दौरान में, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उन निचोड़ के रूप में कांग्रेस ने टाइमली 5 अप्रैल को ही मैनिफेस्टो जारी कर दिया और 5 न्याय और 25 गारंटी दिए जो शानदार है, चाहे वो एमएसपी की बात भी क्यों नहीं की किसानों के लिए। इधर कमीशन का भी एक एडवाइजरी है मैनिफेस्टो जारी करने की। आज सत्ता में बैठे हुए हैं, 4 दिन बाकी है चुनाव के पहले फेज के, तब आप मैनिफेस्टो बना रहे हो। 10 दिन पहले आपने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी मैनिफेस्टो की, 10 दिन मैनिफेस्टो बन गया इनका। 140 करोड़ जनता है, उस बड़े मुल्क का मैनिफेस्टो 10 दिन में बन गया इनका। इसका मतलब है मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो इनका है, और मोदी की गारंटी सब फेल हो रही है। जब से वो काला धन लेके आने की बात करे थे, रोजगार की बात करे नौजवानों को, सब फेल हुई है, अब कौन विश्वास करेगा।